नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टेंडम का सेट आता है उसके अंदर क्या क्या आता है, कौन सा पार्ट कहां कहां पर लगता है और किस तरह से इस टेंडम को चलाया जाता है, किस तरह से इस टेंडम का बॉक्स बनाया जाता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटे आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो तो देखते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते हो और कमेंट नहीं करते हो तो हमको पता नहीं चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और कमेंट किया करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये अपने पास जो टेंडम है वो ब्लूम कंपनी की है, हो सकता है आपके पास दूसरे कंपनी की हो और फिटिंग में थोड़ा सा चेंजेस हो, तो इसमें कैसे फिटिंग आती है, किस तरह से उसको इंस्टॉल करते हैं, ये सब बातें आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों बॉक्स को खोलते ही अपने को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हो कि इस टाइप के दो आपको मिलेंगे, ये दो रोड है, उसके बाद सेम ये ऐसा एक और है, ये दोनों अलग अलग होता है, लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग होता है। और फिर ये जो चैनल है ये लगने वाली होती है, जो पार्टी होती है वहाँ पर ये चैनल लगती हैं। और ये इसकी फिटिंग है। हम बात करेंगे कि कौन सी फिटिंग कहाँ पर लगती है और किस तरह से ये सारे जो पूरा सेट है ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों चैनल क्या हैं। ये चैनल वो है जो पार्टी में फिट होगी, इस तरह से ये फिट होती है और यहाँ पर स्क्रू लग जाता है। और ये जो है ये स्लाइड ये वाली इस तरह से फिट होती है, इधर स्क्रू लग जाता है और ये इस तरह से स्लाइड होती है और वो जो टेंडम है वो इसके ऊपर चलती है। तो दोस्तों मैं पूरा सेट आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। ये दोनों लेफ्ट राइट के अलग अलग होती हैं। हम एक चैनल को लेकर समझते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। और ये जो है वो इसके ऊपर, ये सबसे पहले पार्टी में फिट हो जाती है, उसके बाद ये जो है वो इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगती है। इस तरह से लगती है, ये फ्रेम पार्टी के ऊपर फिट हो जाता है, उसके ऊपर ये आता है। तो उसके बाद जो ये इस थैली को मैं खोलता हूँ वो ये जो है ये पीछे की साइड लगता है, इसके ऊपर पीछे से इसको पैक करने के लिए, पूरा बॉक्स टाइप लुक देने के लिए ये होता है। ये पीछे की साइड लगता है और इसके ऊपर इस खांचे में जो है पीछे की जो प्लाई होती है वो फिट होती है। ये कुछ इस तरह से फिट होता है। कुछ इस तरह से ये फिट होता है। अब आपकी जो प्लाई लगेगी वो यहाँ पर, ये वाली प्लाई इस तरह से बैठेगी और जो पीछे वाली प्लाई आएगी वो यहाँ पर ऐसे आएगी और इसको पीछे से स्क्रू लग जाएंगे और इस प्लाई को नीचे से स्क्रू लग जाएंगे। तो इस तरह से जो है बॉक्स अपना पूरा बन जाएगा। अब रही बात आगे का जो फ्रंट होता है मोरिया, उसको फिट करने के लिए इसमें बेसिकली ये फिटिंग दी है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये फास्टनर की तरह काम करता है, इसको हम बेंड करके होल, ये इस नाप का होल गिरा के इस होल के अंदर डालेंगे और फिर इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे तो ये जो ये भाग है ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा और ये एकदम से लॉक हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। अब ये फिट होता है इसके अंदर कुछ इस तरह से, तो ये जो अपना जो मोरिया है वो भी इस तरह से फिट हो जाता है। अब इसमें यहाँ पर कुछ सेटिंग दी हुई है, ये सेटिंग क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमने अभी जो ये वाला लॉक इसके अंदर डाला, इसका जो यो स्क्रू है ये मोरिया को थोड़ा खिसकाने के लिए है, यानी कि लेफ्ट राइट थोड़ा इस तरह से खिसकाने के लिए, क्योंकि इसको हम टाइट जाल यूज़ करेंगे तो ये जो है थोड़ा इधर या इधर जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। और ये जो स्क्रू आप देख रहे हो ये वाला, ये स्क्रू इसको ऊपर नीचे करने के लिए काम होता है। आप देख सकते हो कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम जितना लूज या टाइट करेंगे तो ये ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। तो इस स्क्रू की मदद से हम जो अपना सामने वाला फ्रंट पार्टी है मोरिया उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अब हमको अगर इसको वापस निकालना है तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक डिसमिस जाने जितनी जगह है
तो हम इधर इस तरह से इसको डिसमिस को हम घुसाएंगे और इसको हम ऐसे करेंगे तो ये जो अपना लॉक था वो इस तरह से फ्री हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर हमको मोरिया निकालना है तो इस वाले स्टार जो बना हुआ इसकी मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। जब हम लॉक करेंगे तो ये स्टार जो है इसे खिसक के आ जाएगा इस तरह से। ये अब हम इसको वापस अगर निकालना हो तो इस तरह से निकल जाएगा। तो ये लॉक इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके साथ ये जो दो छड़ी आती हैं इसको किस तरह से फिट किया जाता है। इसमें भी आगे ये लॉक उसी टाइप का है। हमको सबसे पहले होल करके ऐसे बिठा देना है और फिर इसको सीधा कर देना है तो ये जो है वो लॉक हो जाएगी। अब पीछे जो ये इस तरह से इसको ये फिटिंग दी हुई है तो ये यहाँ पर लगती हैं इसके पीछे की साइड। तो ये यहाँ पर इस तरह से हम इसको दबाएंगे तो ये लॉक हो जाती है कुछ इस तरह से। ये जो छड़ी है वो इस तरह से फिट होती है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि ये किस तरह से फिट होता है, किस तरह से इसके जो सारी फिटिंग है वो काम करती हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बना के आपको बताता हूँ। We'll be right back.
तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।